तो हे गाइस, मैं हूँ के जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के जेड प्रोडक्शन सर फेस फ्रेंड। तो आप फ्रेंड यदि छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं और यदि आपने छत्तीसगढ़ स्टेट ऑफ ओपन स्कूल का एग्जाम दिया है फ्रेंड, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में सब कुछ जानेंगे कि 2023 में इसका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा। और फ्रेंड्स, जो छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड, यदि आप फर्स्ट हमारे चैनल विजिट कर रहे हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप यदि सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन चाहना छत्तीसगढ़ के रिगार्डिंग जितनी भी योजना या फिर एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वेबसाइट kkzproductionsurface.in पर जरूर विजिट करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करें फ्रेंड। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो है कि अभी जो छत्तीसगढ़, यहाँ पर देख सकते हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी जो है कि जो हायर सेकेंडरी परीक्षा और हाई स्कूल परीक्षा दोनों का एग्जाम ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 12th का एग्जाम है वो दो 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 मई 2023 को फिनिश होगा और जो 10th का एग्जाम है वो भी 2 मई 2023 को फिनिश होगा फ्रेंड। जितने भी ब्रांच हैं, ब्रांच वाइज आपको दिखाई दे रहा होगा, अलग अलग ब्रांच हैं, अलग अलग ब्रांच के हिसाब से एग्जाम जो है फिनिश होने वाला है फ्रेंड, ठीक है। ये एग्जाम फ्रेंड आपका मार्च में स्टार्ट हुआ था दोनों एग्जाम, ठीक है। एक तो आपका अप्रैल में हुआ था और बाकी आपका जो 12th का एग्जाम है वो मार्च में ही स्टार्ट हो गया था। तो फ्रेंड आज हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके जो एग्जाम्स के रिजल्ट्स हैं वो कब तक आएंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों का होता है कि बहुत सारे एंट्रेंस पेपर देना रहता है जिसके वजह से उन्हें रिजल्ट्स की जल्दी होती है, कब तक रिजल्ट आएगा, क्या होगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन उन्हें जानना रहता है। तो इसी के लिए मैं यहाँ पर सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड कि कब तक जो है संभावित जो है इसका रिजल्ट जो है आ सकता है फ्रेंड, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड आपको क्या करना है, यदि इसका कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखना है फ्रेंड, तो आपको सिंपली तरीके से यहाँ पर सर्च कर लेना है google.com। google.com सर्च करके आप सिंपली तरीके से यहाँ पर CGSOS पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल, ठीक है, तो इस वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे इस वेबसाइट के ऊपर तो आप इसी वाले वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप इन्फॉर्मेशन बहुत सारी चीजों का देख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड कि संभावित जो रिजल्ट का डेट है वो कब तक आएगा फ्रेंड। तो जो यहाँ पर जो ऑफिशियल जो वेबसाइट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग जो होगा फ्रेंड, देख सकते हैं CGSOS 12th रिजल्ट 2023 फ्रेंड, ये लास्ट मई में फ्रेंड ये रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। यदि लास्ट मई तक नहीं भी आता है तो फ्रेंड ये जो है कि फर्स्ट जून तक जरूर आ जाएगा। फर्स्ट जून के फर्स्ट मतलब फर्स्ट वीक में ये रिजल्ट जरूर आ जाएगा, खासकर 12th का रिजल्ट, ठीक है फ्रेंड। देख सकते हैं यहाँ पर जो संभावित डेट है इतना तक लगभग में आ जाएगा, क्योंकि जो CGBSE का जो रिजल्ट है वो आपका लगभग लगभग में आपका फ्रेंड मतलब फर्स्ट वीक ऑफ मई तक इसका भी रिजल्ट जो है आ सकता है आपका, ठीक है। और जो स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी जो अभी स्कूल है जो अभी मैं बता रहा हूँ, इसका भी फ्रेंड लास्ट मई तक रिजल्ट जो है पक्का आ जाना है आपका, ठीक है, लास्ट मई तक। इस चीज़ का याद रखिए क्योंकि इसका एग्जाम जो हुआ है लेट हो रहा है तो इसका रिजल्ट भी थोड़ा सा लेट आएगा, लास्ट मई तक या फर्स्ट जून तक जो 12th का रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं फ्रेंड 10th के रिजल्ट का, तो 10th के रिजल्ट के बारे में देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर CGOpen School Class, ठीक है, देख सकते हैं 10th एग्जाम डेट के बारे में बताया जा रहा है और संभावित जो रिजल्ट है इसके बारे में देख सकते हैं। रिजल्ट जो है फ्रेंड थर्ड वीक जो मई बताया जा रहा है कि लास्ट, ये भी जो लास्ट वीक है मई का उसमें रिजल्ट आ सकता है फ्रेंड। यदि यहाँ तक नहीं भी आता है फ्रेंड 10th का रिजल्ट, तो 10th का रिजल्ट फ्रेंड 15 जून के भीतर आपका आ जाएगा, 15 जून 2023 के भीतर, ठीक है। और 12th का रिजल्ट जो है फ्रेंड फर्स्ट वीक ऑफ मई, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट मई वो वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि उसमें उसके बाद लंबी प्रोसीजर भी होती है, यदि रिटोटलिंग वगैरह कराना रहता है या फिर और भी कुछ सप्लीमेंट्री वगैरह एग्जाम्स रहते हैं तो क्या होते हैं कि रिटोटलिंग वगैरह भी कराना है, तो ताकि वो इजी तरीके से जो है कि अपना रिटोटलिंग वगैरह भी करवा सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरीके से जो है कि सिंपली तरीके से जो है कि आपका जो रिजल्ट है वो मई फर्स्ट मई या फिर लास्ट मई या आपका जून तक 15 जून से बिफोर पहले आ जाएगा रिजल्ट फ्रेंड। तो सबसे पहले फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा सबसे पहले हमारे चैनल में मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।